10 ऑन 10 पेश करते हैं कुंभ मेले की 10 रोचक जानकारियां। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण मेला है। आइए जानते हैं इससे जुड़े 10 रोचक तथ्य। वीडियो में कुंभ मेले में जाने की जरूरी जानकारियां भी दी हुई हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। नंबर 1, सबसे बड़ा धार्मिक मेला। कुंभ मेले में करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। 2013 के प्रयागराज कुंभ मेले में रिकॉर्ड 12 करोड़ लोग इस मेले के दौरान आए थे, जिसको यूनेस्को ने भी प्रमाणित किया है। नंबर 2, कुंभ मेले के आयोजन के स्थल एवं समय। कुंभ मेला हर 3 साल में 4 जगह आयोजित होता है और हर 12 साल में ये पुनः पहले स्थान पर वापस आता है। ये 4 स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। हर 12 साल में महाकुंभ आयोजित किया जाता है। नंबर 3, सदियों पुराना पर्व। कुंभ मेले का आयोजन लगभग 20 सदियों पहले से किया जा रहा है। ये त्योहार इतना प्रचलित रहा है कि इसे मशहूर प्राचीन चीनी यात्री ह्यूएन त्सांग और ज़ुआंग त्सान आदि ने अपने लेखों में जिक्र किया है। नंबर 4, मोक्ष की प्राप्ति। कहा जाता है कि कुंभ मेले में जो भी आता है और पवित्र नदियों में डुबकी लगाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से छुटकारा मिल जाता है, यानी उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 5, कुंभ की तिथियों का चयन। कुंभ मेले की तिथि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ग्रह की स्थिति द्वारा तय की जाती है और इन दिनों कुंभ के आयोजन स्थलों से गुजरने वाली नदियों का पानी सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आपने अभी तक इस भारतीय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क और आप देख पाएंगे हमारे वीडियोस सबसे पहले। नंबर 6, कुंभ यानी शहद। कुंभ का अर्थ होता है शहद, जिसको शुद्ध और पवित्र माना जाता है। ये प्रथा कहते हैं तब से चली आ रही है जब धरती पर देवताओं का वास होता था और तब नदियों का पानी शहद में तब्दील हो जाता था। नंबर 7, कुंभ में आने वाले विभिन्न हिंदू साधु। कुंभ मेले में हिंदू धर्म के कई पंथी एकत्रित होते हैं। इनमें से मुख्य हैं नागा बाबा, जो वस्त्र धारण नहीं करते, कल्पवासी, जो दिन में 3 बार नहाते हैं, अघोरी, जिनके पास काले जादू की शक्तियां होती हैं, परिव्रजक, जिन्होंने मौन रहने का संकल्प लिया होता है, शीर्षासन, जो 24 घंटे अपने सर के बल खड़े होकर ध्यान लगाते हैं। नंबर 8, नागा बाबा करते हैं कुंभ की शुरुआत। नागा बाबाओं को साधुओं का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है और इसी कारण से इन्हें कुंभ मेले में सबसे पहले नदी में डुबकी लगाने दिया जाता है। नागा बाबा अखाड़ों में वास करते हैं। नंबर 9, अघोड़ी साधुओं की जादुई शक्ति। कुंभ मेले में आने वाला एक समुदाय ऐसा है जो काले जादुओं की शक्ति के कारण लोकप्रिय है। ये होते हैं अघोड़ी साधु, जो दाह संस्कार की राख से नहाते हैं, मानव कंकाल पहनते हैं और मानव मांस भी खाते हैं। अघोड़ी साधु कुंभ में नदी में डुबकी नहीं लगाते, क्योंकि कहते हैं नदी का पानी पवित्र होने से उनके काले जादू की शक्तियां चली जाती हैं। नंबर 10, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कुंभ मेले के दौरान आयोजन का जिम्मा संभालने वाले अधिकारियों के हाथ पांव फूले रहते हैं। कुंभ मेले के दौरान अस्थायी रूप से लाखों लोगों को तैनात किया जाता है, जिनमें हजारों पुलिस अफसर, डॉक्टर, कारीगर आदि शामिल होते हैं।